गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। यदि आप भी पेंटिंग करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे आप जान गए तो आपका पेंटिंग डिजाइन कपड़े से कभी नहीं निकलेगा। मेरा यकीन मानिए, कपड़ा फट जाएगा लेकिन पेंट की चमक तक नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप भी चौंक गए होंगे। जरा सोचिए, यदि ऐसा सच में हो जाए तो कितना बुरा लगेगा ना। कितना मेहनत करके हम लोग पेंटिंग डिजाइन बनाते हैं, 2 दिन लग जाता है, 4 दिन लग जाता है एक एक डिजाइन बनाने में, कभी कभी तो 1 सप्ताह लग जाता है। और इतनी आसानी से धोने के बाद अगर कपड़े से पेंट निकल जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। मेरा ये बेडशीट बिल्कुल सेफ है। चलिए, आपके साथ कभी ऐसा ना हो इसके लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं। टिप्स नंबर फर्स्ट, पेंट करने से पहले कपड़े को सादे पानी से अच्छे से धो लें और सूख जाने के बाद उसे आयरन कर लें, उसके बाद उस पे पेंट करें तो आपका डिज़ाइन लंबे समय तक कपड़े पे टिकेगा। हम लोग क्या करते हैं कि डिजाइन बनाना होता है तो डायरेक्ट कपड़ा खरीदते हैं और उस पे डिजाइन बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा कि नए कपड़े में कपड़े को टाइट रखने के लिए कोई केमिकल का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग एक बार दो बार धोते हैं तो वो केमिकल निकल जाता है, तो पेंट उस केमिकल के साथ ही निकल जाएगा और इससे हमारा डिजाइन फीका पड़ जाएगा। टिप्स नंबर 2, पेंट में कभी भी पानी का यूज न करें। यदि पेंट गाढ़ा हो गया हो तो मीडियम का यूज करें, न कि सादे पानी। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट करके पूछते हैं कि दी, क्या इसमें पीने का पानी मिला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप पीने का पानी पेंट में नहीं मिला सकती हैं। अगर मिलाती हैं तो पेंट की चमक जो है वो फीका पड़ जाएगा और पेंट फैलेगा भी कपड़े पे और कपड़े से जल्द निकल भी जाएगा। सो आप पानी का यूज मत कीजिए। अगर आपका पेंट काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो आप मीडियम का यूज कीजिए। अदरवाइज़ यदि आप नया पेंट खरीद के लाई हैं दुकान से तो आप उसे डायरेक्ट पेंट कीजिए। यदि आपको पेंट में मीडियम मिलाना हो तो पूरे बोतल में मीडियम नहीं मिलाएंगे, पहले उसे मिक्सिंग प्लेट में जितना पेंट की ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे और उसके बाद 1 बूंद या 2 बूंद मीडियम का यूज करेंगे और फिर उसे ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिप्स नंबर 3, पेंट करने के 24 आवर्स बाद उल्टे साइड से आयरन करें, यानी कि जिस कपड़े पे पेंट किए हैं उसके 24 घंटे के बाद उसे उल्टे साइड से आयरन करेंगे इस तरीके से। जैसे ये डिजाइन हम इधर से बनाए हैं तो इसको इधर से आयरन कर देंगे, इस साइड से इसको ऐसे आयरन कर देंगे करना है, ना कि इधर से, उल्टे साइड से आयरन करना है इस साइड से। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम बेडशीट बना रहे हैं तो क्या रोज बनाएंगे और अगले दिन उसे आयरन करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, पूरा बेडशीट पहले बना लेंगे और उसके 24 घंटे के बाद यानी 1 दिन बाद उसे उल्टे साइड से आयरन कर लेंगे। टिप्स नंबर 4, पेंट करने के 1 वीक के बाद ही कपड़े को वॉश करें। अब ये नहीं कि आज पेंट किए कल उसे वॉश कर दिए, यदि ज़रूरी ना हो तो आप 15 दिन के बाद भी करें तो और बेटर होगा, यानी कि पेंट करने के 1 वीक के बाद ही उसे वॉश करें। टिप्स नंबर 5, हमेशा फेब्रिकल पेंट का ही यूज करें, ना कि पोस्टर पेंट या पोस्टर कलर का यूज करें। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो
नहीं पहचान पाते हैं कि कपड़े पे हमको पेंटिंग करना है तो कौन सा पेंट खरीदें, किस पेंट का यूज करें, तो हमेशा फैब्रिकल पेंट का ही यूज करें जिस पे लिखा हो फैब्रिकल पेंट। पोस्टर जो कलर होता है, पोस्टर पेंट होता है, वो कार्डबोर्ड के लिए होता है ना कि कपड़े के लिए, इसलिए हमेशा फैब्रिकल पेंट का यूज करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। सो अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन, और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञानलोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।